लेक्चरर फिजिक्स SPS 2024 की टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला MCQ है एंटोनिम ऑफ हार्ट फेल्ट इज, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर दो है द ट्रेंड वेंट डैश द टनल सी, इसका ऑप्शन होगा थ्रू, तो सी इज करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर फोर है द क्वालिटी ऑफ अ पब्लिक हेल्थ केयर डैश ऑन द अमाउंट ऑफ मनी अलोकेटेड टू इट, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ नंबर फोर है सिनोनिम ऑफ एम्बेसल इज, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर फाइव है द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर सिक्स है द प्रोफेसर टोल्ड हर स्टूडेंट अबाउट द प्रोजेक्ट मंथ इन द एडवांस सो दैट दे वुड हैव डेज टाइम टू कंप्लीट दियर वर्क, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिक्स का ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है आई एम वॉरीड डेज द एग्जाम, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट अबाउट। उसके बाद MCQ नंबर जो है एट है देयर इज नो पॉइंट डैश आर्ग्यूइंग, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर नाइन है ही डैश डेली फॉर ईयर नाउ, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर टेन है इफ़ यू हैड फॉलो द रूल डैश यू डिसक्वालिफाइड, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर इलेवन अब फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करते हैं, जहाँ क्वेश्चन नंबर इलेवन से स्टार्ट होता है इफ़ वेक्टर फील्ड ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ओवर एक्स प्लस थ्री वाई ब्रैकेट ओवर आई यूनिट वेक्टर प्लस ब्रैकेट ओवर वाई माइनस टू जेड ब्रैकेट ओवर जे आई जे यूनिट वेक्टर प्लस ब्रैकेट ओवर एक्स प्लस एम जेड ब्रैकेट ओवर के यूनिट वेक्टर इज ए सोलेनोइडल देन द वैल्यू ऑफ एम इज, तो सोलेनोइडल केस के अंदर हमें एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल से देखते हैं इलेवन को सॉल्व करते हैं, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव पूरी इक्वेशन का, जब पार्शियल डेरिवेशन लेंगे इस पूरी इक्वेशन का तो हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई, ठीक है, प्लस पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ब्रेकेट ओवर वाई प्लस सॉरी माइनस टू जेड ब्रेकेट ओवर प्लस पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू जी ब्रेकेट ओवर एक्स प्लस एम जेड, तो हमें पता है पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो इसका वन आ जाएगा, प्लस पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई का लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस सेम का सेम पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका वन आ जाएगा जवाब, प्लस पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टू जेड तो इसका जवाब आ जाएगा जीरो, क्योंकि जो है कोफिशिएंट सेम नहीं है, प्लस पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड और एक्स का इसका जवाब आ जाएगा जीरो। पार्शियल डेरिवेशन ये एम हो जाएगा कांस्टेंट, ये एम निकल गया बाहर, पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड इसका जवाब आ जाएगा वन, तो ये सब इनको लिख लेते हैं। तो जब डाइवर्जेंस ले रहे ए का डाइवर्जेंस ले रहे तो हमारा जवाब आ गया वन प्लस एम। अच्छा, जब सोलेनोइडल केस होता है तो इसका डाइवर्जेंस जो आ जाता है ज़ीरो आ जाता है, तो ये हो जाएगा टू प्लस एम जवाब आ जाएगा, तो ये टू प्लस का है उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारी एम की वैल्यू मिल गई यहाँ से, यानी इसका जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। MCQ नंबर 12 सॉल्व करते हैं द पैरामीटर दैट केपलर्स लॉ ऑफ द पीरियड रिलेटेड टू, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, द सेमी मेजर एक्स एक्सिस एंड टाइम पीरियड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 13 है व्हाट हैपन व्हेन द स्ट्रेस अप्लाइड टू द बॉडी इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम वैल्यू एंड इट्स रिमूव आफ्टर सम टाइम, तो ये कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे इतना स्ट्रेस अप्लाई करो कि बियॉन्ड उसकी लिमिट हो मैक्सिमम लिमिट से, तो उसके बाद इसका ऑप्शन होगा डी इज़ करेक्ट, द बॉडी कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, तो डी इज़ करेक्ट। बाद MCQ नंबर 14 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर लेवल, तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 15 है फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स्ड वाइब्रेशन इज कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन होगा सी इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 15 है व्हिच इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अ स्लिट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अ डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ अ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, तो इसका
जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल बी इंक्रीज, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा एमसीक्यू नंबर जो 17 है इसको न्यूमेरिकल से सोल्व करते हैं, निकल रही है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गामा रे निकलने के बाद जो फाइनल इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बताता चलूँ कि गामा रे एक एनर्जी का सोर्स है, तो एनर्जी के सोर्स से इसके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास पे कोई भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी उसका यानी कहा जाए कि इस पे चार्ज भी ज़ीरो होता है, मास भी ज़ीरो होता है, तो इस पे एटम नंबर पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी गामा रे एमिशन होती है तो उसका एज इट सेम होता है, यानी निकल ही रहेगा 28 एटमिक नंबर और 65, यानी इसका इसका जो है 17 का डी इज़ करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो हमने न्यूमेरिकल से सॉल्व किया तो इसका ऑप्शन होगा डी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 18 है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन इज़, इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 19 है, एफ सी सी लेटिस इज रेसिप्रोकल लेटिस टू ऑफ, तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बी सी सी लेटिस होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 20 है, वेक्टर फील्ड विथ वैनिशिंग कर्ल इज कॉल्ड इररोटेशनल होगा, इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 21 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ रिजोल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग 3 सेंटीमीटर वाइड हैविंग अ 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर इफ वेवलेंथ ऑफ अ लाइट यूज्ड इज 5890 एंगस्ट्रॉम, तो हमें यह मालूम करते हैं, तो इसी न्यूमेरिकल्स से देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 21 सॉल्व करते हैं, तो 21 के अंदर जो वेवलेंथ हमें मिली हुई है वो मिली हुई है 3 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ लाइंस जो हमें मिली हुई है वो 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, मतलब एक के अंदर एक नंबर जो है उसके अंदर इतनी सी मिली हुई है। उसके बाद जो वेवलेंथ हमें मिली हुई है वो मिली हुई है 5890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है मैक्सिमम रेजोल्यूशन पावर, यानी आर मैक्सिमम रेजोल्यूशन पावर हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं ये डेटा को यूज़ करते हुए। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले ये बताता चलूँ कि जब n मैक्सिमम होता है, n इज़ मैक्सिमम वैन जब n मैक्सिमम तभी होता है जब a साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो 1 के, यानी 90 एंगल होना चाहिए तभी n 1 होता है, ठीक है। अब हमें पता है जो फार्मूला है d साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। अच्छा यहाँ से d इक्वल होता है 1 अपान n के, d इक्वल होता है 1 अपान n के, पुट कर दे यहाँ से हमें n मालूम करना है, n मालूम हो जाएगा तो हम वे मैक्सिमम रेजोल्यूशन के फार्मूले के अंदर हम पुट करके आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ से n अगर मालूम करें तो हमारा फार्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से, हो जाएगा 1 अपान मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अच्छा साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय n कितना है, n जो मिला हुआ है वो हमें मिला हुआ है 5000 लाइंस डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय, और वेवलेंथ हमें मिली हुई है 5890 10 पावर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस सेंटीमीटर को सोल्व करना है मीटर के अंदर, तो सेंटीमीटर को जब सोल्व करेंगे तो सेंटीमीटर की वैल्यू हम लिखते हैं 10 पावर -2, तो 10 पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 1 नहीं आ जाएगा, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 5890 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +2। अब ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि ये सेंटीमीटर था, ये था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की वैल्यू एक मीटर के अंदर 10 पावर -2 होता है और -2 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से डबल डिवाइड है तो यहाँ से चला गया तो ये +2 हो गया। तो 1 अपान 5 मल्टीप्लाई बाय
5000 मल्टीप्लाई बाय 5890 और ये प्लस इसमें से माइनस 10 में से प्लस के 2 गए बाकी बचे 8 और 8 ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के पावर 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पावर को एक्सप्लेन कर लेते हैं तो 1 के साथ 8 0 1 0 ये 6 8 इसको एक्सपेंड ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो 1 के साथ 8 0 1 के साथ 8 0 डिवाइडेड बाय इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 2 9 4 5 0 0 0 0। अच्छा जब इसको डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 अप्रोक्सीमेट, तो n की वैल्यू हमें यहाँ से 3 मिल गई। अच्छा यही इक्वेशन के अंदर हम मैक्सिमम रेजोल्यूशन पावर के अंदर हम पुट करते हैं तो इसको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पावर के अंदर हम मालूम करना चाहते हैं तो आर पी इज इक्वल टू क्या जो फार्मूला है एन डबा बड़ा एन मल्टीप्लाई बाय डी डब्ल्यू सॉरी वर्थ होता है। ठीक है, अच्छा इसी फार्मूले के अंदर हम एन की वैल्यू कितनी मिली हुई है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय लाइन कितनी मिली हुई थी 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय वर्थ कितनी मिली हुई है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 45000 तो ये हमारा जवाब आ गया 45000 हमारा जवाब आ गया 45000 यानी 21 का बी इज करेक्ट होगा। तो हमने सॉल्व किया, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा।